महाराणा प्रताप की, बोलो भगत सिंह की, बोलो सुभाष चंद्र बोस की, बोलो चंद्रशेखर आजाद की, बोलो खुदीराम बोस की, बोलो अशफाकुल्ला की, बोलो उद्धम सिंह की, बोलो सारे देवी देवताओं की, बोलो सारे शहीदों की, बोलो सारे देवी देवताओं की, बोलो सारे देवी देवताओं की, सारे शहीदों की, छत्तीस बरादरी भाईचारे की, बोलो अपनी, बोलो क्रांतिकारियों की, बोलो जैन सेना की, बोलो मर्द मानसा की। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं छत्तीस बरादरी का भाईचारा और सबको हमें ये निमंत्रण देते हैं कि नेताओं से, सारे नेताओं के उनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए अगर ये पर भाई अपना भाईचारा खराब करियो मना, नेता बात जाएंगे आपस में लड़ोगे, तो इसलिए सवाल सबसे करो, आकावाज क्यों नहीं उठाई। और ये जो शेर शेर बोलना है, इन शेर नहीं, इन सर्कस के शेर बोलो, क्या बोलना है? जब लड़ने का टाइम था, ये अपनी गुफाओं में थे, ऐसी गुफा थी इनकी सारे की, तो इसलिए आवाज उठाओ जरूर, अपने सवाल जरूरता को, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं, इसका मतलब आप मुर्दा हो अगर आप आवाज नहीं उठा सकते। और हम तो नहीं भोलेनाथ सबका भला करे, भोलेनाथ और कोई भी समस्या थी जो हमने दे रखी है, चाहे एसवाईएल की बात है, चाहे पानी की है, चाहे बेरोजगारी की, चाहे नशे की, किसी भी तरह की बातें हैं वो ठानी पड़ेंगी जनता ने, सारी पार्टियां, कोई पक्ष हो विपक्ष हो, बिल्कुल सब ने बराबर हाँकना है, सबसे सवाल होने चाहिए, पक्ष में थे काम के कराए, विपक्ष था तो आवाज के उठाई। और मेरे हिसाब से हमने जितना भी कोशिश करी, ये जो साथी आप लोग देख रहे हो, ये जो यहाँ पे बैठे हैं इतनी बूंदी गर्मी में, इन लोगों ने पिछले ढाई तीन साल से जो लड़ाई लड़ी है, जिससे लाखों लोगों का भला होया, अपने लिए ताली बजा लो एक बार सारे, लाखों लोगों का बता रहा हूँ मैं, थोड़ा आएगा नहीं, चाहे पेंशन की बात है, विधवा बुजुर्ग की, आज भी लोग अगर आवे हैं समस्या लेकर तो यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको नेताओं से पार्टियों से कोई आस उम्मीद नहीं है। और हम ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर भाई चुनाव बहुत कम वोटिंग होने लग रही है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा वोट कर रहे थे, नोटा दबाया हो, ये प्रोग्राम पूरा कर राजनीति का, हमने कोई किससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह सामाजिक छत्तीस बरादरी के भाईचारे का ये प्रोग्राम है। और चुनाव आयोग से भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने एक डाली थी पोस्ट, उसमें फिर गर्मी गणे हो लिया, जो होना है अगला चुनाव जड्डा में करवा दियो, ठीक है जी, है ना, उससे कुछ फर्क पड़ सके है, तो भाई जगाने के लिए है। और हम जो भी कोशिश संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वाह, आगे भी लड़ते रहेंगे। और भगवान परशुराम जन्मोत्सव 121 फीट की पूरे देश की सबसे बड़ी मूर्ति के निर्माण की नींव का निर्णय भी वहां पे होगा, तो 19 मई 11 बजे, इसने नोट कर लियो, अपने आप अपना तन मन धन लगा के जो भी हेल्प कर सकते हो उसमें आप लोग करियो। और क्योंकि ये कोई नेताओं का प्रोग्राम नहीं है, ये योद्धाओं का प्रोग्राम है, क्या कहा भाई, ये योद्धाओं का है। और ये जन्मोत्सव के साथ एक तरह से, क्योंकि वो जो जमीन की जंग जीती गई थी, छत्तीस बरादरी के भाईचारे ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी सरकार के साथ, उन सब का एक सम्मान समारोह है। और मुख्य अतिथि तो खुद भोलेनाथ भगवान परशुराम है, बाकी सारे मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, अगर भाई जिसकी शासन प्रशासन से कोई भी समस्या, पिछली बार की जो समस्या 70% ठीक करवाई थी, करीब 250-300 लोग अपनी समस्या दे गए थे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जो समस्याएं हैं वो जरूर अपनी लिख के लेना, उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाओगे, मान गया ठीक है, नहीं तो फिर आप उनकी लड़ाई लड़ाएंगे। स्थान बता रखा परावर, ये उसी जमीन पे जहां ये परावर में है अपना, इसके बिल्कुल तलियार के सामने ही है, ओमेक सिटी रेलवे जो अपना परावर का अस्थलपुर का रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल नजदीक है, तो सबका नियुक्ता है। तो सब जिन साथियों ने इस पूरे युद्ध में 2-2.5 साल सबकी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करा है, उन सब का धन्यवाद, से किसी ने एक रुपया दिया, चाहे एक मिनट दी, चाहे भाई तन तय मन तय धन तक किसी भी तरह से साथ दिया, उन सब का हम एहसान बंद रहेंगे, हम नहीं यार लाखों लोग उन लोगों के एहसान बंद रहेंगे। जय हिंद, जय भोलेनाथ।
सत्ता की, रानी लक्ष्मी बाई की, महाराणा प्रताप की, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, अशफाकुल्ला की, उत्तम सिंह की, खुदीराम बोस की, बोलो मदनलाल ढींगड़ा की, सारे शहीदों की, देवी देवताओं की, इस बरादरी भाईचारे की, जय हो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।